लगा कि मैं मर चुका था और मैंने अपनी मौत अपने सामने देखी, तो क्या मंजर था मैं वो बताना चाहता हूँ कि परिवार में क्या होता है, पिता के साथ क्या होता है, माता के साथ भाई बहन क्या सोचते हैं। तो उस दिन अपनी अर्थी पर मैं भी रोया था, उस दिन अपनी अर्थी पर मैं भी रोया था जिस दिन मेरे बाप ने अपना बेटा खोया था। उस दिन अपनी अर्थी पर मैं भी रोया था जिस दिन मेरे बाप ने अपना बेटा खोया था। लड़कों के साथ बड़ी प्रॉब्लम होती है, अपने डैड के सर पर, अपने डैड के कांधों पर सर रख कर नहीं रोते कभी, वो कभी भी वो गले नहीं लगाते हैं। तो लड़कों के लिए है कि इतने सालों बाद ऐसा दिन आया था जिस दिन मैं अपने बाप के कांधों पर सर रख कर सोया था। हाँ, उस दिन अपनी अर्थी पर मैं भी रोया था जिस दिन मेरे बाप ने अपना बेटा खोया था। तो आगे सुनते हैं, माँ जिसने हमें पैदा किया, हमको यहाँ तक लाया, लेकिन हम उसके बारे में नहीं सोचते हैं मरने के पहले, है ना। अब तो मर गए हैं, माँ को देख लेते हैं क्या हाल है माँ का। तो माँ का हाल ये है कि यही वो दिन था जिस दिन एक माँ ने अपने लाल को खोया था। यही वो दिन है जिस दिन मेरी माँ ने अपने लाल को खोया था, जिसकी शादी के सपने माँ ने बड़े प्यार से सजोया था। अब जब दूर जा रहा था बेटा, तो माँ ने भी अपना सुदबुद्ध खोया था। हाँ, उस दिन अपनी अर्थी पर मैं भी रोया था। तो आगे बहन जो होती हैं बहुत लड़ती हैं, है ना, लड़ती हैं कि नहीं भाइयों, बोलिए, लड़ती हैं, बहुत लड़ती हैं। तो मेरी बहन भी वैसा ही है, डेली मुझसे कोई ना कोई फरमाइश होती है और मैं करता ही नहीं हूँ, है ना। तो उसमें क्या होता है कि हमको लगता है कि बहन हमें नहीं प्रेम करती, नहीं चाहती, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अब जब दूर जा रहा था भैया, कि बहनों के मन में क्या होता है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, कि अब जब दूर जा रहा था भैया तो बहनों ने भी कोहराम मचाया था। उठ जाओ ये कहकर आज मेरे पूरे परिवार ने जगाया था। हाँ, उस दिन अपनी अर्थी पर मैं भी रोया था जिस दिन मेरे बाप ने अपना बेटा खोया था। तो जैसा कि आप लोग, मैं बता दूं, मैं घर में सबसे बड़ा हूँ, लेकिन मेरी जो है ताई जी की लड़कियाँ हैं और वो भी मतलब बड़ी हैं हमसे, तो उनके भी शादियाँ हो चुकी हैं। तो जीजा का भी कुछ रोल होता है, तो कुछ मैं उनको बहुत चाहता हूँ। मेरे जीजा हैं जो मुझे बहुत मानते हैं, तो उनके ऊपर भी कुछ था कि उनका क्या हाल होता है। मेरी आपको ये पता है कि जब इंसान मरता है तो उसकी बॉडी के साथ क्या क्या जो कार्यक्रम होते हैं, क्या क्या किया जाता है, जो क्रियाएं होती हैं उसमें नहलाना धुलाना ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसी पे था कि मेरी अर्थी को मेरे जीजाओं ने सजाया था, और मेरे मृत शरीर को बड़े प्रेम से नहलाया था। उस दिन उनकी आंखों में भी आंसू आया था जब मेरे बाप ने मेरी अर्थी अपने कांधों पर उठाया था। हाँ, उस दिन अपनी अर्थी पर मैं भी रोया था जिस दिन मेरे बाप ने अपना बेटा खोया था। ना धूप में ना छाँव में मुझे आराम मिले सिर्फ तेरी बाहों में, तेरा दीदार हो तो सब नम लगे, तू ना दिखे तो सब गम लगे। मेरे रास्तों के नक्श में तेरी लफ्ज मिले मेरी हर हर्फ में, कि अब आरजू है बस यही, जिस तरह मुझको प्यार है अब तुझको भी मुझसे प्यार हो, बहुत बहुत धन्यवाद।